मायावती से मिलने भी जाएं क्या? मायावती से मिलने अभी क्या? अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए हैं, अभी तो हम इनसे मिलने अभी तो इनसे मिलने चलिए और बात चलिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। कुछ ध्यान दिया आपने? ये छोटा सा वीडियो अपने आप में पूरी एक कहानी है जिस पर घंटों बैठकर बहस की जा सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप ध्यान से इस वीडियो को सुनें और देखें। मायावती से मिलने भी जाएं क्या? मायावती से मिलने जाएं। अभी तो हम इनसे मिलने आए हैं, अभी तो हम इनसे मिलने अभी तो इनसे मिलने चलिए और बात चलिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लखनऊ आए थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने। दरअसल ये मुलाकात 2024 के प्लान के तहत विपक्षी एकजुटता के लिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछ लिया कि मायावती से कब मिलने जाएंगे। अब अखिलेश ने तो मुंह घुमा लिया और मुस्कुराने लगे। नीतीश कुमार को भी जवाब न सूझा तो बोले अभी तो अखिलेश से मिलने आए हैं। पर पत्रकार रुके नहीं, वे अपने सवाल पर कायम रहे तो अखिलेश ने नीतीश के आगे से माइक हटाकर मोर्चा संभाला और खड़े होकर पत्रकारों को थैंक यू बोल दिया। कुल मिलाकर नीतीश ने तो गोलमोल घुमा दिया और अखिलेश बहन जी के रिश्ते कैसे हैं ये भी पता चल गया। अखिलेश यादव बीएसपी को बिल्कुल भी साथ लेकर चलने के मूड में नहीं हैं और बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती ने भी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश पर जो निशाना साधा था उससे तो लग नहीं रहा कि यूपी में विपक्ष एकजुट हो पाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिखरा पड़ा विपक्ष 2024 के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सामने कैसे ताल ठोकेगा, ये देखने लायक होगा।